अभी आपने भाजपा के नेताओं से पूछा क्या विकास हुआ, उन्होंने कहा बियर फैक्ट्री खटीमा में लगा दी है। नशा की गिरफ्त में आज कोई देखने वाला नहीं है। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि बियर पिए युवा और पकौड़ा खाए, माँ बाप कहाँ जाएंगे उनके? कहाँ लग रही है बियर फैक्ट्री? खटीमा भाईवर्स में लग गई है, बियर फैक्ट्री। हाँ, बियर फैक्ट्री लग गई है वहाँ, नारी अंबानी और यहाँ पे आरसी रस्तोगी। तो ये यहाँ पर इस समय उनको संरक्षण दे रहे हैं। बियर की फैक्ट्री भी रोजगार है, रोजगार है ये, जहाँ पर मजदूर काम करेंगे, जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होगी वो रोजगारी। खड़ी में शराब भट्टी बंद क्यों नहीं करवाते हैं ये लोग? वो कह रहे हैं इत्र की फैक्ट्री आप बदनाम कर रहे हैं। सुनने में ये आया कि बियर की फैक्ट्री लग चुकी है, अब यह बहुत इकट्ठा कर रहे हैं माल की, जब इलेक्शन जीतेंगे बाद में सबको बियर पार्टी करेंगे। आज महाविद्यालय की ऐसी कंडीशन है, वहाँ एडमिशन नहीं मिलते हैं, ST SC OBC के कोटे खत्म कर दिए हैं। बट उसकी कहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं? एडमिशन बताइए ना, खाली वो पेपर में हेडिंग से कुछ नहीं होता है, प्रेस विज्ञप्ति से कुछ नहीं होता है। आप एडमिशन करवाइए ना। 10 में से देगी जनता कितने नंबर, यही खड़े खड़े हो जाएगा तय। 6 दे दूंगा मैं तो, 0 दूंगा। शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, शून्य भाई। हम जो जीरो नंबर से भी जीरो नहीं देने पर राजी हम तो। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम खालिस्तानी हैं पाकिस्तान। जय जवान जय किसान, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज हम आ पहुंचे हैं ऐसी विधानसभा सीट में जो इस वक्त उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट में से एक सीट है। बात आज हम करेंगे उस सीट की जो अपने आप में इस वक्त सिर्फ उत्तराखंड की निगाहों नहीं बल्कि जब चुनाव होगा तो पूरे देश की निगाहों में इस सीट पर नजर होगी। पूरे गढ़वाल को कवर करने के बाद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम कुमाऊं के दौरे पर है और कुमाऊं में तमाम विधानसभा सीट को कवर करने के बाद हम आ पहुंचे हैं कुमाऊं की सबसे हॉट सीट में से एक, कुमाऊं ही नहीं पूरे उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट में से एक, खटीमा सीट। क्यों? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं। इस बार चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे तो कैसे लड़वाएंगे, ये अभी तमाम सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में खटीमा, क्या खुद मुख्यमंत्री ने खटीमा का विकास किया या फिर नहीं किया, तो वो कौन कौन से विकास के एजेंडे हैं जिसके आधार पर खटीमा की आवाम इस बार अपना वोट देगी। हमेशा की तरह जनप्रतिनिधि भी है और जनता भी है, खटीमा की आवाम से पूछेंगे कि आखिरकार खटीमा के मुद्दे कौन कौन से हैं, किस आधार पर खटीमा की आवाम वोट डालेगी। और जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो जनता के बीच में जाएंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह खटीमा की आवाम का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप लोगों के मुद्दे हम उठाएंगे और पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से कि आखिरकार वो कौन कौन से मुद्दे हैं किसके आधार पर अब वोट मांगे जाएंगे और वोट दिए जाएंगे। और सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अमित पांडे। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बॉबी राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से सुमेर सिंह पार्टी का पक्ष रखेंगे। झाड़ू चलेगा या नहीं चलेगा, आखिरकार किस आधार पर जनता देगी वोट, और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अनुप जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो सबसे पहले मसला बीजेपी का है, बीजेपी सत्ता में है, मुख्यमंत्री की विधानसभा की सीट है। तो अमित जी शुरुआत आपसे, क्योंकि हमारी मजबूरी और हमारा संकल्प बिल्कुल साफ है, जवाब सत्ता से लिए जाते हैं विपक्ष से नहीं। तो सत्ता पक्ष बताएगा सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कौन से 3 काम किए अपनी विधानसभा क्षेत्र में जो जनता एक बार फिर से उनको मौका दे। प्लीज खड़े होके अपनी बात रखिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरों की भूमि और उत्तराखंड शहीदों की भूमि इस खटीमा में। सबसे पहली बात, मैं आपकी बात को थोड़ा सा डिनाई करूंगा कि मजबूरी नहीं है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग है, ये आपका अधिकार है और जानने का, और ये हमारा अधिकार भी है बताने का। मैंने संकल्प भी कहा। और आपका संकल्प भी और हमारा संकल्प भी है। खटीमा में सन 2012 में खटीमा की महान जनता ने हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री और खटीमा के विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी जी को अपना आशीर्वाद देके 2017 में भी विधायक बनाया। और जब पहली बार हम 2012 में इस खटीमा की चुनाव की धरती पर जब आए तो हमारा एक ही ध्येय वाक्य था, उन्नत खटीमा विकसित खटीमा। हम ये चाहते थे कि जो सीमांत क्षेत्र खटीमा है जो कि उत्तराखंड राज्य की जननी भूमि भी है, ये विकास के मायने में कहीं ना कहीं बहुत पीछे थी। तो खटीमा की जनता को विकास के नए आयाम मिले, खटीमा की जो धरती है विकास के मायने में प्रदेश की उत्कृष्ट विधानसभा बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विधायक काल में भी और आप भी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी आपने मेरे से 3 कामों के लिए पूछा है। सबसे पहला कार्य यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, चूंकि ये जनजाति बहुल्य क्षेत्र है,
यहाँ पे हमारे थारू जनजाति के लोग बहुत ज्यादा बहुतायत मात्रा में है और तराई को रसाने बचाने का काम भी थारू जनजाति के द्वारा किया गया है। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पे एकलव्य विद्यालय का निर्माण किया गया। एकलव्य विद्यालय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया, केंद्र की योजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्र की नहीं, जो बात हम विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने तीन उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री जी की तीन उपलब्धियां, एकलव्य विद्यालय और नागरिक चिकित्सालय का उच्चीकरण करके उसको 100 बेड का अस्पताल बनाना, वहाँ पे ICU वेंटिलेटर और उसके साथ साथ वहाँ पे विभिन्न प्रकार के 100 बेड का अस्पताल बनवा दिया मुख्यमंत्री जी ने। जी 100 बेड का अस्पताल है, वर्तमान डॉक्टर है उसमें? जी डॉक्टर है, उसमें सारे पैनल है। इस समय वर्तमान में वहाँ पे 16 डॉक्टर का भी कार्यरत है। 16 डॉक्टर है? जी और उसके आप चलेंगे मेरे साथ? मैं बिल्कुल चलूंगा आपके साथ। 16 डॉक्टर दिखाएंगे? अभी हो सकता है कुछ अगर एक छुट्टी में गए होंगे तो, लेकिन अभी रूटीन में 16 डॉक्टर। चलिए 15 दिखा, चलिए तो आप चलेंगे अभी देख लेंगे मौके। 15 दिखाएंगे? जी मैं दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा वो कह रहे 10 दिखा। अब आप और हम चलेंगे अभी देख लेंगे। तीसरी उपलब्धि, और तीसरी उपलब्धि यार खटीमा की है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो यहाँ पे केंद्रीय जो विद्यालय है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और राजकीय पॉलिटेक्निक यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सड़क की जो है पूरे आज आंतरिक मार्ग लगभग हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। सड़क बनाई है आपने? मैं तो अभी रास्ते में फंस गया, इतना लंबा जाम देखा मैंने अभी, आप कह रहे सड़क बना दी। जाम की समस्या है कि नहीं, या मैं फंस गया था? देखिए ऐसा है, जाम की समस्या निश्चित रूप से है और जाम की समस्या सड़क की समस्या से कहते हैं मैच नहीं करती। अच्छा, सड़क की समस्या से जाम की समस्या मैच नहीं करती? जाम में फंसे होंगे क्या आप? गड्ढे में फंसे? अच्छा, गड्ढे में नहीं फंसा, जाम में फंसे। जाम में फंस गया तो जाम का और सड़क का तो कोई लेना देना नहीं है? सड़क और जाम का कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो लगा पुल बना देंगे तो सड़क की जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। तो पुल सड़क से ही बनेगा सर? पुल कहाँ बनाएंगे? पुल बनाने का, पुल बना नहीं बनेगा। पुल बना है, नौसर का बहुप्रसिद्ध पुल बना। आप कह रहे हैं आपने विकास किया, लेकिन अब मुझे बॉबी राठौर जी बताएंगे कि आखिरकार, प्लीज कुर्सी की लड़ाई है सर, कुर्सी पे बिठाना आपको। मेरा सवाल यह है कि आखिरकार ये कह रहे हैं कितना विकास किया, आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया। चुनाव अब मुख्यमंत्री का भी होना और विधायक का भी होना है, और इतिहास गवाह है कि हरीश रावत दो दो सीट से चुनाव हार गए, हारे ना सर, खंडूरी या जरूरी का नारा दिया वो भी हार गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जीत के दिखाएंगे। जी मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो पांडे जी हमारे जो मित्र हैं ये बोल रहे थे कि सरकारी अस्पताल का यहाँ पर उन्होंने 100 बेड का अस्पताल बनाया, ये पूरी खटीमा की जनता जानती है। जब एनडी तिवारी जी की सरकार थी और स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेड हुआ करते थे तो उस समय वो 100 बेडों का अस्पताल का शिलान्यास वहाँ पर हुआ है। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसका काम बंद हो गया, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उस 100 बेड के अस्पताल को बनाया गया, हरीश रावत जी ने भी उसका उद्घाटन किया। उसके बाद इनकी सरकार आती है तो झूठी वाहवाही लूटने के लिए फिर उसमें उद्घाटन का शिला पड़ता। तिवारी जी ने बनाया, उद्घाटन हरीश रावत जी ने किया, फिर ये उद्घाटन कर रहे हैं तो ये जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताना, आपने उद्घाटन किया था तब आपने ठगा था क्या? नहीं, तो तिवारी जी की देन थी, वो उन्होंने शिलान्यास किया था। तिवारी जी की देन थी, भेड़ जी ने बनाया, हरीश रावत जी ने उद्घाटन। शिलान्यास होने के बाद उसमें जब वो भवन तैयार हो गया था तो हरीश रावत जी की सरकार थी तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया, तो वो जायज भी बनता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जब ये कह रहे हैं कि एकलव्य विद्यालय की बात, तो आज आप देखिए हेमंती नंदन बहुगुणा एक यहां पर महाविद्यालय है जहां पर 7,000 की स्ट्रेंथ थी इस महाविद्यालय के अंदर, और आज वो 400 से 500 की रह गई है। जो गरीब बच्चा है, और ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ST और SC समाज का गरीब बच्चा है, उसको कॉलेज पढ़ने में जो 4,000 खर्च होता था वो आज 1,00,000 रुपए खर्च हो रहा है, और ये आज एकलव्य विद्यालय के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं। और आप अगर देखेंगे, ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुला, तो आप देखिए जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे ब्लॉक के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला गया था। उसमें सिर्फ ये है कि ये अस्पताल के नाम पर झूठ बोल रहे हैं अमित जी। देखिए ये कह रहे हैं कि दिखाइए हमने तो बनाया, आप कह रहे हैं कि हमने किया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं इनकी अपने कांग्रेस के मित्र के बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय में करीबन 7,000 की यहाँ पे संख्या है। मैं थोड़ा बॉबी भाई से अपने निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा अपडेट हो ले, वो संख्या 7,000 की नहीं है, वो संख्या अभी 8,432 टोटल यहाँ पे इस समय महाविद्यालय छात्र पढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस खटीवा में हाईटेक सभागार, BEd और उसके साथ MCOM की कक्षाएं शुरू कराने का काम यदि किसी ने किया उस राजकीय महाविद्यालय, तो वो माननीय विधायक पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पे किया। क्या नहीं, ये कुछ भी नहीं किया, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनसे ये पूछिए कि उसमें जो 8,332 जो ये बता रहे हैं, अब स्ट्रेंथ कितनी है ये पूछिए। स्ट्रेंथ कितनी है? अभी आप मेरे साथ चलने के लिए कह रहे थे अस्पताल में, अभी आपसे निवेदन करूंगा मेरे साथ डिग्री कॉलेज ही चलिए, वहाँ पे 10 रुपए में सूचना के अधिकार में सारी चीज निकल जाती है। और वहाँ पे क्या 2017 अस्पताल ये कह रहे हैं हमने बनवाया, नाम आप
हाँ, अस्पताल इन्होंने बनाया था, उसमें झाड़ी उग गई थी, झाड़ी को साफ करके चलाने योग्य हमने बनाया। चलाने योग्य हमने बनाया, आपने सिर्फ झाड़ी उगाई। नहीं नहीं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये खटीमा की जनता जानती है कि सरकारी अस्पताल का शिलान्यास किस कौन सी सरकार में हुआ था, कांग्रेसी सरकार में हुआ। खटीमा की जनता जानती है, बिल्कुल। खटीमा की जनता से भी पूछूंगा, हाथ उठा लीजिएगा, आपका सवाल भी दूंगा मैं। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी, सर प्लीज, ये हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान, ये तिरंगा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा, ये हमारी आन बान शान है, इसको प्रणाम है। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी से जानना चाहूंगा, आपने सुना वार और पलटवार, ये कह रहे कि हमने विकास किया, वो कह रहे हमारे विकास को गिनवा रहे हैं। किसने विकास किया, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? अगर खड़े होके वीर जी, कांग्रेस और अगर बीजेपी ने विकास किया होता तो हमारे विधानसभा खटीमा की जनता हमें इतना प्यार नहीं देती जो प्यार आज हमें खटीमा की जनता दे रही है, कि हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है, वो खुद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की ओर है। मुद्दे बताइए ना, मैं किसी का एजेंडा सुनने नहीं आया, सुनिए मेरी बात, मुद्दा क्या आपका वो बताइए, खटीमा का मुद्दा। विकास इन्होंने, विकास तो ठीक है, विकास तो दिल्ली में भी देख रहे हैं हम, ये बताइए विकास तो बड़ा हो गया, 21 साल का हो गया, मुझे विकास दिखाई नहीं दिया आज तक। मैं पूछ रहा हूं आपका मुद्दा क्या खटीमा का, 21 साल का विकास झनकट से आप जाएंगे ना, आपको डामरीकरण खत्म करके द्यूरी के पास आपको वो विकास वहां मिलेगा जो अब ये खड़ंजा, खड़ंजे के रूप में मिलेगा वो विकास, देख लो जाके खड़ंजा लगा। हाँ, डामर को हटा के खड़ंजा लगा दिया गया वहां पे। कहां पर? ये झनकट से अंदर वाली रोड पे, द्यूरी वाली रोड पे, इतना विकास किया इन्होंने बीजेपी। अच्छा, ये मुद्दा आपका, और काफी सारे मुद्दे आइए ना मुझे, मैं वही पूछना है। इनसे बीजेपी कांग्रेस इतनी दुखी है, ज्यादा आप नारे लगा रहे हैं, मैं नारे नहीं मुद्दे पूछ रहा हूँ खटीमा के। मुद्दे मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा एक किसान परेशान है। किसान इसलिए परेशान है कि जो योगी जी और इन्होंने बीजेपी सरकार ने ये जो जानवर छुड़वाए हैं, इनके लिए गौशाला का निर्माण क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये सिर्फ जुमलेबाजी है अपने धामी जी की। जब इन्होंने कहा था गौशाला का निर्माण करवाएंगे, फिर इन्होंने बीच में कहा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हमें दिखाओ कहाँ पर हो रहा है। तो कह रहे परिसीमन का विवाद करवा दिया, आप कह रहे हैं कि भैया ये कह रहे गौशाला में छोड़ दिए। मुद्दे मुद्दे बताइएगा मुझे, मुद्दे जानने हैं बस, खटीमा के मुद्दे क्या है? सबसे पहले जनता बताइए क्या मुद्दा है खटीमा की जनता का? खटीमा की जनता का मुद्दा यह है कि जैसे बीजेपी सरकार आई और उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, इनका मतलब है कि 5 साल तुम्हारा 5 साल हमारा, अट्टा बट्टा कर रखा है। अच्छा, अट्टा बट्टा, अट्टा बट्टा कर रखा है। इन लोगों ने क्या कर रखा है कि देखो, पहले तो जब मुझला में लिखा गए, उसके बाद चले तो सतारगंज में लिखा गए, ठीक है, अब चले तो जगह जगह जब अपने गऊ माता छोड़ दी और बैल का कोई बाप उसको रखवाला नहीं, उसको उसका वो किसका बाप है, गऊ तो उसकी माता है, मतलब बैल का कोई वो नहीं है कि बैल कौन है, बैल कौन है, जगह 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 पे वो बैल ने कोहराम मचा रखा है। आग आग चलते हुए रोड पे छींक मारो गाड़ी पलटा देते हैं, लड़ते हैं, किसी मोटरसाइकिल की किसी की हाथ टूटे पैर टूटे उनका कोई देखने वाला नहीं है। मुद्दा इनका यह है, अभी किसान जगह जगह देखो नील गैया, किसान परेशान है। आप आइए ना इधर आइए, एक सेकंड आइए, आइए आइए, सवाल आपने कहा ये अट्टा करते हैं, ये बट्टा करते हैं, ये अट्टा बट्टा वाले हैं, अट्टे बट्टे वाले, 5 साल इनके 5 साल इनके, आपने कहा ये अट्टा बट्टा करते हैं, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, आप यही कह रहे हैं, यानी कांग्रेस बीजेपी कोई है ही नहीं, ये दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई हैं, आप ये कह रहे हैं बात है कि एक बार मुख्यमंत्री बन गया उसका सांसद जो है दूसरी बार कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री, इसी बार तो 3 महीने मैं मुख्यमंत्री, 4 महीने मैं मुख्यमंत्री, 5 महीने मैं मुख्यमंत्री, मतलब 5 मुख्यमंत्री बदलने हैं, 5 बदलने हैं, आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदलना भी एक विषय है, लेकिन 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 विकास विकास नहीं हो रहा। आज बेरोजगारी इतनी फैली है, ये बेरोजगारी और इतनी फैली है कि क्योंकि 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, इन दोनों पार्टियों ने कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी 5 साल बीजेपी कभी कांग्रेस, इन्होंने रोजगार पे कोई काम नहीं किया है, बेरोजगारी इतनी फैला दी, आज मैंने बीएड किया हुआ है, लेकिन बेरोजगारी समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र। मैं एक्चुअली मैंने बीएड किया है, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, मैंने अपना ही जो कार्य आपके सामने पूछवा देता हूँ। अच्छा मुख्यमंत्री जी 2 साल से 2 बार से यहाँ से विधायक है, यानी कुल मिला के 10 बार से 10 साल से वो विधायक है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, उद्योग स्थापित किया है उन्होंने, कोई एक उद्योग किया है तो उसका नाम बता दीजिए सर। देखिए उद्योग यहाँ पहले से ही है, पहले से ही है, 2 फैक्ट्री अजीत तिवारी जी लेकर आए थे जहां तक मुझे याद। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहा हूं मैं, आप बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे वहाँ पे मिनी सिडकुल की घोषणा कर दी गई है, और जिसके लिए भूमि चिन्हित करने का काम भी चल रहा है। कौन सी
मिनी सिटकुल, मिनी सिटकुल जी जी, औद्योगिक पार्क। और मेरी बात सुनिए आप, इसके बाद मेरी बात और सुनिए। अभी हमारे साथी ने कहा नहीं क्या, एक सेकेंड ये विषय मैं उठाऊंगा, एक सेकेंड। ऐसा है कि अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि अट्टा बट्टा चल रहा है ना, अभी अट्टा बट्टा नहीं चल रहा हमारे लिए। कहते हैं सरकार मेरा जनता का सेवा का एक माध्यम है, सेवा माध्यम है, लेकिन एक बात आप कह रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा आपसे, एक सेकंड में आप ही लोगों के मुद्दे उठाने आया हूँ, एक सेकंड। आपने कहा एक सेकंड, मैंने उद्योग की बात की। आपने कहा मैंने उद्योग की बात की। आप एक सेकंड नशे की गिरफ्त में आज कोई देखने वाला नहीं है। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि बियर पिए युवा और पकौड़ा खाए, माँ बाप कहाँ जाएंगे उनके। बियर फैक्ट्री, अभी आपने भाजपा के नेताओं से पूछा क्या विकास हुआ, उन्होंने कहा बियर फैक्ट्री खटीमा में लगा दी है। पहले मोदी जी कहते हैं कि बोला उन्होंने बियर फैक्ट्री लगाई, मैं पूछवा देता हूँ। एक सेकंड अभी आपके सामने पूछवा देता हूँ, एक सेकंड अभी पूछवा देता हूँ। ये कह रहे बियर फैक्ट्री, ये कहानी क्या है बियर फैक्ट्री वाली, कौन लगा रहा है बियर फैक्ट्री, किसके नाम पर लग रही है बियर फैक्ट्री? ये तो जानकारी है नहीं इन लोगों, अगर कोई पता है तो ये लोग बता दे कहाँ लग रही है, पूछ लो। हाँ, आप पूछिए, हमें तो जानकारी नहीं। कोई ऐसी कोई बियर फैक्ट्री लग रही है क्या? कोई ऐसी फैक्ट्री लग रही है? कोई फैक्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोला है और निसंदेह झूठ बोला गया। भी पूछ बोल रहा है, जगह पूछ लेता हूँ कहाँ लग रही है बियर फैक्ट्री। खटीमा फाइबर में लग गई है वो बियर फैक्ट्री। हाँ, बियर फैक्ट्री लग गई है खटीमा फाइबर, खटीमा फाइबर की फैक्ट्री। वो रस्तोगी जी है, आरसी रस्तोगी जी, राकेश कुमार रस्तोगी जी, उनकी तो फैक्ट्री बियर की लग रही है। मां आप मुख्यमंत्री का ले रखे हो? नहीं, उनको लाइसेंस इशू किया गया अभी आप ही के समय में। आप ये देखिए वहाँ अंडारी अंबानी और यहाँ पे आरसी रस्तोगी। जब भी मुख्यमंत्री जी खटीमा आएंगे तो सीधे आरसी, अरे रुको, तो सीधे आरसी रस्तोगी क्या उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा वहीं रहेंगे। तो ये यहाँ पर इस समय उनको संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वहाँ अडानी अंबानी या रस्तोगी जी ले कह रहे हैं ना बियर वाली कहानी क्या, बियर फैक्ट्री वाली। पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, बियर की फैक्ट्री भी रोजगार है, रोजगार है खटीमा में कोई फैक्ट्री रोजगार है कि जहाँ पर मजदूर काम करेंगे, जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होगी वो रोजगारी। खटीमा शराब भट्टी बंद क्यों नहीं करवाते हैं लोग, शराब भट्टी क्यों नहीं? खटीमा में चार पांच शराब भट्टी है, शराब भट्टी चल रही है शराब से। देखिए सरकार पहले कांग्रेस सरकार थी, हरीश रावत जी डेनिस नाम की शराब बेचकर हरदा ब्रांड बोलते थे, हरदा ब्रांड जिसको बोलते थे। अब इनसे पूछे कि अब ये बियर ही पिया है। और दूसरी चीज, जिस बियर की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जिस उद्योगपति का नाम ले रहे हैं, वो इत्र की फैक्ट्री है। आप वहां जाइए, इत्र की फैक्ट्री बनाते हैं, बियर नहीं बनाते, बियर फैक्ट्री हुई। देखिए बदनाम किसी को करना है, बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर 21 सालों के अंदर जो ये हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि ये भविष्य में जिंदगी में किसी को मिल भी नहीं पाएंगे। कह रहे हैं इत्र की फैक्ट्री है, आप कह रहे हैं बियर की फैक्ट्री है, बदनाम कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री को, इत्र की या बियर की, इत्र की या बियर की। बिग जोक सर, मैं कह रहा हूँ आप अपने कैमरे को रिवाइंड कर लीजिए। इनके यहाँ जो आदरणीय प्रवक्ता उपस्थित है पांडे जी, उन्होंने जब रोजगार की बात करी तो इन्हीं के कार्यकर्ता ने कहा कि बियर की फैक्ट्री खटीमा में लगा दी गई है। ये हमने नहीं कहा, ये इन्हीं के कार्यकर्ता ने कहा। तो मैंने ये कहा, हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ये कहा। असल में क्या कि हमारी बात ढंग से ना सुनाई जाती है ना दिखाई जाती है, हम लोग भी प्रताड़ना का शिकार। मैं कॉमेडी शो थोड़ी ना करने आया, मैं तो दिखा रहा हूँ। सवाल किससे पूछा? पहला सवाल सत्ता से पूछा, सवाल सत्ता से ही पूछे जाते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका, पूरी बात मेरी सुन लीजिए, मैं माफी चाहते हुए कह रहा हूँ कि मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका न्यूज देता है। अरे सुनो, न्यूज वर्ल्ड चैनल एक ऐसा चैनल है जो निष्पक्ष भाव से काम कर रहा है। इन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा कहा गया विकास के नाम पर कि खटीमा में बियर की फैक्ट्री लगा दी गई है। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा रोजगार है तो बियर। ओके, फैक्ट्री को लेकर, शराब फैक्ट्री को लेकर आवाज उठाई जा रही है। जी बिल्कुल, सुनने में ये आया कि बियर की फैक्ट्री लग चुकी है। अब यह बहुत इकट्ठा कर रहे हैं माल की, जब इलेक्शन जीतेंगे बाद में सबको बियर पार्टी करेंगे। अच्छा, बियर पार्टी करेंगे चुनाव जीतने के बाद? जी, उसी के लिए वो लगी हुई है, इसलिए अभी उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। अच्छा, जिस जगह पे वो फैक्ट्री लगी है आप बदनाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इत्र की फैक्ट्री आप बदनाम कर रहे हैं। दिखा दीजिए ना, हम चलते हैं वहाँ पर, अगर वहाँ पर इत्र बनना हमें दिखाइए कौन सा इत्र बन रहा है, हम भी खरीद के लाएंगे, हम भी लगाएंगे, इससे बड़ी और क्या बात है। ये तो अब आ रहा हूँ। आप एक सेकंड, मैं एक और विषय को उठा रहा हूँ। ये मालघाट रोड पर कोई फ्लाईओवर बनाने की बात हुई थी, मेला घाट रोड पर कोई फ्लाईओवर बनाने की बात हुई थी क्या? बना रहे हैं,
कब? चुनाव के बाद? उसका प्रस्ताव भेज दिया गया चुनाव के बाद। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बना। अच्छा, राज्य सरकार केंद्र सरकार, तो ये डबल इंजन नहीं हुआ। ओके अनुप जी, अनुप जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर खटीमा के जनता को ये बताइए और खास तौर पर उत्तराखंड की जनता को, ये चल क्या रहा है खटीमा में? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो हमेशा से जो कहा जाता है कि विकास को एक मुद्दा माना गया है, लेकिन विकास के नाम पे पहले की कोई भी पार्टी ने ऐसा मानते हैं, पहले के समय पे फैक्ट्रीज लगी थी, नए उद्योग तो नहीं लगे, लेकिन कुछ एक काम हुए हैं, नो डाउट हुए हैं काम, लेकिन उसमें यही रहा है कि सब लोगों ने अपना अपना उस चीज़ पे लेने की कोशिश करी कि भाई ठीक रहा, उन्होंने अपने सर पे लेने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने कहा कि भैया फ़ायदा हमको चाहिए, फ़ायदा हमें चाहिए। अब मेन समस्या जो खटीमा की एक आती है वो है जाम की, जाम की, जो कि आप सुबह से शाम तक चले जाएं, 3 बार रेलवे क्रॉसिंग से ट्रेन, 5 बार ट्रेन निकलती है, मेलाघाट रोड पूरा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से चौराहा पूरा बंद हो जाता है। मेलाघाट रोड के जितने भी व्यापारी लोग हैं वहाँ का व्यापार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिसको देखना चाहिए कि उसमें क्या एक चीज़ हो सकती है। ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या, ट्रैफिक जाम की, ट्रैफिक जाम की। ओके, मेलाघाट रोड की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर हमने प्रस्तावित पुल का जो बात की है, वहाँ पे बन रहा है पुल, प्रस्ताव पास हो गया। देखिए, मैं जैसे ये विकास की बात चल रही है तो मैं विकास के लिए कहूँगा कि हाँ जरूर विकास तो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, पहले त्रिवेंद्र रावत जी का विकास किया, फिर तीरथ रावत जी का भी विकास किया, आज पुष्कर धामी जी का विकास कर, विजय बोगड़ा जी का भी तो विकास हुआ था। और विजय बोगड़ा का विकास किसने? मैं अभी और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और उसके बाद अगर आप खटीमा में देखेंगे तो इनके जो मेन जो कार्यकर्ता हैं, जो कैप्टन हैं, सूबेदार हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड जो लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिया जा रहा है, उनका विकास किया जा रहा है, और जो पात्र हैं उनको छोड़ा जा रहा है, जो पात्र हैं वो छूट रहे हैं, और जो अपात्र हैं, जो लोग खुद अपने आप में सक्षम है, उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पैसा देने का काम, दुरुपयोग, और उनका विकास करने का काम कर रही है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे बियर फैक्ट्री की बात कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कर लग रही, इत्र की फैक्ट्री है, आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं इत्र है, इत्र बन रहा है, इत्र बन रहा है, इत्र बन रहा है। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखो प्रमाण है इस बात, इस चीज का ये प्रमाण है कि वो लाइसेंस वहां दे दिया गया है, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं वो फाइबर कंपनी के अंदर हो रहे हैं, और फाइबर कंपनी के आगे गेट के पास पुष्कर धामी जी का और रस्तोगी जी का जो मालिक है, दोनों के पोस्टर लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर उतरता है पॉलीप्लेक्स में, जाता फाइबर में, ये प्रमाण इस बात का है कि उनको, उस उद्योगपति को कोई विशेष लाभ देने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और ये यहाँ खटीमा की जनता जानती है। वो कह रहे हैं वो अडानी अंबानी और यहाँ पर एक और उद्योगपति, चक्कर क्या? देखिए, सबसे पहली बात, हमारे कांग्रेस मित्र इनका कोई विकास के कोई मुद्दे तो रहते नहीं है, तो कभी डेयरी से चर्चा करते हैं, किसी जो तथाकथित बियर की फैक्ट्री जो है ही नहीं अस्तित्व में, वो हरदा ब्रांड जिसे बोलते, हरदा ब्रांड उसकी बात करें, क्योंकि इनका पूरा लक्ष्य यही है, डेनिस बियर कच्ची शराब, तो आप तो इत्र की फैक्ट्री, मेरी पूरी बात सुनिए, ये जिस उद्योगपति का जाने की बात कर रहे हैं, उद्योगपति पहले से यहाँ पे एक स्थापित फैक्ट्री है, जहाँ पे खटीमा के कई लोगों उस फैक्ट्री के आते हैं, रोजगार मिलता है, और कहीं ना कहीं 250 करोड़ माफ कर दिया, देखिए 250 करोड़ माफ करना, ये उस समय की कहते हैं सरकार ने किया, कांग्रेस सरकार में हुआ है, कांग्रेस सरकार में 250 करोड़ पे माफ हो गया, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार माफ करवाया गया, वो बेसिकली वहां पर बोर्ड बनते थे और उसका ताले लग गए थे, उसके बाद अपना जो है उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया था, उसको इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उस आदमी को जिसने अपना जो है यहाँ पर अपने उसके उस फैक्ट्री को बंद करके दूसरी फैक्ट्री लगा दी गई है, वो आदमी अपने वैसे खड़ी है, उसी के अंदर फैक्ट्री लगाई जा रही है। आप ये कह रहे हैं खास उद्योगपति को लाभ दिया जा रहा है, सीधा आरोप है। श्री राजू जी भाई साहब है, वो कह रहे हैं कि उनके लोन वापसी का काम हुआ, इनसे पूछिए 2016 में सरकार किसकी थी, अगर याददाश्त ठीक है तो, मुझे लगता है संभवतः जब लोन माफ हुआ तो 2016 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो ये कांग्रेस वाले सवाल पूछे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई। और रही बात, हम सिर्फ और सिर्फ, आप तो ऐसे कह रहे हैं हरीश रावत ने लोन पास करवा दिया उनका, देखिए ऐसा है, मुझे जानकारी नहीं है, ये शायद उनकी और उनकी बातें होंगी, हम सिर्फ विकास के मुद्दों की चर्चा करने के लिए आए, हमारे डेनिस बियर ये मुद्दे नहीं है, हमारे अच्छा बियर की फैक्ट्री मुद्दा नहीं है यहाँ पे, आप लोग बेवजह मुद्दा बना रहे, बियर की फैक्ट्री कोई मुद्दा नहीं है, वो इत्र की फैक्ट्री है। ओके ओके ओके, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात,
ये हमारा सैनिक बहुल इलाका है, जो सैनिक लोग सुबह 4 बजे जाके बनमसा लेन में लगाते थे। एक सीएचडी कैंटीन का भी निर्माण हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया, जो विकास किया है, जो जिन्हें लेन लगाने की जरूरत नहीं है कि सुबह 4 बजे वो माताएं बहने हमारी सुबह 4 बजे बनमसा जाके सामान खरीदने जाती थी। एक सेकेंड, पानी की निकासी क्या यहाँ पर मुद्दा है या फिर नहीं? देखिए, पानी का निकासी बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पानी के निकासी में जब भी बरसात होती है तो ये पूरा खटीमा भी डूबता है। खटीमा के आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, चाहे वो अमाऊ हो, चाहे खेतल संडा हो, चाहे सिप कॉलोनी हो, और भी तमाम गांव जो लगे हुए हैं, उन सब में ये पानी जो है प्रभावित करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 साल में आप पानी की निकासी की समस्या नहीं दूर कर पाए। 10 साल विधायक रहे, मुख्यमंत्री, पानी की निकासी आपको उसी के तरह। माननीय विद्वान पत्रकार महोदय, नगर पालिका के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी नगर पालिका जनसंख्या में 50,000 से ऊपर हो जाती है तो वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का होना अत्यावश्यक होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की एक व्यवस्था है। इससे पहले खटीमा की नगर पालिका कांग्रेस के द्वारा बनाई गई नगर पालिका, पूरा क्षेत्र 1.5 लाख का है, लेकिन कांग्रेस ने नगर पालिका मात्र 9,000 की रहन दी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने लड़के इसका परिसीमन कराया, इसको 50,000 की कहता नगर पालिका बनाया, और जिस दिन 50,000 की नगर पालिका हुई उसी दिन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यहाँ पे, और खकरा नाले के निकासी के लिए जो आपका कुदरती ड्रेनेज सिस्टम है 22 करोड़ की धनराशि अब मुक्त हो चुकी है। कृपया मेरे मित्र इस बात का जवाब दे कि वो 22 करोड़ की धनराशि उपयुक्त अब मुक्त हुई। 22 करोड़ की धनराशि, देखिए 22 करोड़ की धनराशि ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने मुक्त करवाई है, अमुक्त करा रखी है। ये तो पता चलेगा कि वो अमुक्त हुई है या नहीं हुई है, या खाली चुनावी जुमला है इनका। ये तो ये भी जुमला लगता है आपको? कैसा जुमला है बताइए? वो कह रहे हैं कि हमने 22 करोड़। कांग्रेस पार्टी है मेरे मित्र, हमेशा हर बार कहता है कि सूचना का अधिकार का नियम, हमने इस देश को भ्रष्टाचार के अतिरिक्त एक नई चीज और दी, हमने देश को सूचना का अधिकार दिया। तो मैं अपने कांग्रेस मित्रों से कहना चाहूंगा कि 10 रुपए सूचना का अधिकार लगता है, यदि इनको लगता है कि कोई पैसा मुक्त हुआ नहीं हुआ तो 10 रुपए का सूचना का अधिकार लगाए, मालूम करो, और कागज मुझे भी दिखाए, आपको भी दिखाए और अपने कार्यकर्ताओं को भी दिखाए। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इन्होंने अवमुक्त कराया तो दस्तावेज दिखा दीजिए, उसके अवमुक्त दिखवा दे, दिखवा दीजिए। अभी आप चलने की बातें कर रहे थे, मेरा आपसे भी निवेदन है कि लोक निर्माण विभाग के कार्यालय यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, अभी चल के सारे आपको डॉक्यूमेंट दिखा। ये कौन सच बोल रहा है? मेला घाट रोड जिसके ऊपर फ्लाईओवर की बात हो रही है, वो मेला घाट रोड में डिवाइडर जो अभी इन्होंने फुटपाथ बना दिया उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वहाँ इन्होंने खाली पैसे का बंदरवाट करने के लिए वहाँ फुटपाथ बना दिए, उस अपने चाहे तो। और ये भाई साहब कह रहे थे अभी कि कैंटीन की बात कर रहे थे, कोरोना काल में माननीय के एक बड़े बहुत रिश्तेदार हैं, उनके नाम से पर्ची निकली गई कि कैंटीन बनमसा से शराब, ये काम किया इन्होंने। कोरोना काल में खाना नहीं पूछ रहे थे, शराब उनके नाम से आ रही थी। किसके नाम से? इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के कोई रिश्तेदार हैं। अच्छा, उनके नाम पर। एक सेकंड आ रहा हूँ। हम खाना पानी बांट रहे थे, ये शराब बांट रहे थे। आप सड़क के साथ साथ यहाँ की नदियां नाले भी देखिए जिनका इन्होंने भरपूर खनन किया है, एक भी नदी या नहीं छोड़ी जिसे खनन नहीं किया हो। खनन प्रेमी पड़े भाई, हमारे उत्तराखंड के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, आर्मी का अगर कोई सिपाही कैंटीन से विस्की खरीद के लाता है या सामान खरीद के लाता है तो क्या उसका अधिकार नहीं है? कोरोना काल में कह रहे हैं अगर बंद हो गया था तो कोरोना काल में अगर किसी को मदद करी गई तो उसमें इनको दिक्कत किस बात की है? आपकी मदद सर, आप मेरी बात समझिए ना, कोई खटीमा का व्यापारी तो लेकर नहीं आया ना, जो कैंटीन से माल लेकर आता है वो सैनिक होता है भूतपूर्व, जिसके पास ऑलरेडी कार्ड था अपने सीएसटी कार्ड का, उसको शराब दी गई है, ऐसा कोई विषय? मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक का बेटा हूँ। अच्छा, ये मुद्दा नहीं है। सबसे पहले मैं एक बार सभी लोग शांत रहे। देखिए, यहाँ पर 10,000 की संख्या में लोग मेला घाट क्षेत्र में आज पानी से डूब रहे हैं और यहाँ पे क्रोकोडाइल पार्क बनाया जा रहा है। क्रोकोडाइल पार्क? हाँ, त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, मर रहे हैं, डूब रहे हैं बच्चे यहाँ पे पाई। बिल्कुल पूछा, वो कह रहे पानी की निकासी समस्या ही नहीं है, है कि नहीं? वो कह रहे पानी की। देखिए, ये जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, देखिए मेरे, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने, ये जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं ये बंदा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में है, वो पूरी भूमि उत्तर प्रदेश की है। अच्छा, पूरी भूमि उत्तर प्रदेश, और ये लोग बंदे की भूमि में बैठे हुए हैं, जो कि भूमि बंदे की है, मतलब कैनाल विभाग की है, वो कोई रेगुलराइज लैंड नहीं है। और फिर भी हमने प्रयास करके, माजा इनके आप जल भराव की समस्या हुई तो इनके कैनाल के अधिकारियों से बात करके हमने तत्काल उस गेट को बंद करा के इनके पानी का रुकवाया और निकासी होने दी। अच्छा, ट्रैफिक समस्या, पानी की निकासी समस्या, नया अस्पताल बनाया नहीं आपने, रोजगार दिया नहीं, नई फैक्ट्री आपने लगाई नहीं। मेरे को कोई बता रहा था यहाँ कोई रेड लाइट लगी है 1 साल पहले, वो अभी तक काम नहीं कर रही है, वो उस वजह से भी ट्रैफिक जाम नहीं होता। इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, खटिया में वर्तमान में सौंदर्य कड़गा में जारी है, अभी आप देखेंगे तो काम चल रहा है अभी।
जब वो सौंदर्यकरण का कंप्लीट हो जाएगा उसका तो रेड लाइट ही भी लगेगा। एक साल से सौंदर्यकरण का काम नहीं हुआ, ये रेड लाइट वाली क्या कहानी है? नहीं, रेड लाइट लगी हुई है, लेकिन अभी तक जैसे ये हुआ है कि बीच में कोरोना काल में उसका इस्तेमाल हो नहीं पाया था, तो अब वो खराब हो गई थी। अब दोबारा एक बार यहाँ बताया गया था, एप्लीकेशन गई थी, उसके तहत वो काम शुरू किया गया उसमें, लेकिन अभी तक काम उसमें शुरू हुआ नहीं। अच्छा, रेड लाइट वाली जाम की समस्या है कि नहीं? पूरा शहर परेशान है, दुकानदार अपने घर के अगर दुकान आगे है ना, 200 मीटर दूर भी दुकान है ना, आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा उसको दुकान खोलने में लग जा रहा है, दुकान तक पहुंचने में लग जा रहा है। आप देखो, आप रोज देख रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं मैं जाम में फंस गया हूं, आधा पौना घंटा आप परेशान रहे हो जाम में, कौन कहता समस्या नहीं है? आज से अगर जब सत्ता में बीजेपी आई थी, यहां से फ्लाईओवर का निर्माण हो जाता, ये समस्या खत्म हो जाती। अब ये समस्या हम आम आदमी पार्टी ये खत्म कर देगी, चाहे ये पानी की निकासी की समस्या हो, चाहे अच्छे स्कूल हो, अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारी समस्याओं का निदान ये कभी नहीं कर पाएंगे। बीजेपी पे से भरोसा उठ गया ना, हमें भरोसा, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे। आप अब क्या कर रहे हैं? हम जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने करके दिखाया है वो सारा जुमलेबाजी नहीं है, वो जुमलेबाजी नहीं है, करके दिखाया है दिल्ली में। अच्छा, हाँ, 200 यूनिट फ्री दी है वहां पे बिजली, और यहाँ की जनता को देखते हुए यहाँ पे बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, फिर भी बीजेपी सरकार फ्री में नहीं दे सकती। मैं पूरा उत्तराखंड घूम लिया, मैं पूरा उत्तराखंड घूम लिया, मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं मिला, एक सवाल का जवाब नहीं मिला। ये आपकी भी टीम है या आपकी भी टीम है? आपकी ये टीम, ये भी टीम चल क्या रहा है? आप किसकी भी टीम है? हम किसी की भी टीम नहीं है ना, ए टीम है। हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जो केजरीवाल ने करके दिखाया वही हम एक अच्छा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, युवाओं के भविष्य के लिए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कहां से लाओगे उत्तराखंड में, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि केजरीवाल जी कभी गैरसैंण गए हैं क्या? कभी गैरसैंण? आपका पहला सवाल, केजरीवाल कहां से लाओगे? मेरा नहीं, उनका था। उनका था, उसका मैं जवाब देता हूं, उनकी नीतियों पे उत्तराखंड में काम होगा। केजरीवाल जी कभी गैरसैंण गए? शायद गए हो। अच्छा, वो गैरसैंण का भलाई कर रहे हैं, लेकिन गैरसैंण कभी गए नहीं है, गैरसैंण कभी गए नहीं। अच्छा, एक सेकंड, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस बात को मैं समझ पाया, क्या वाकई खटीमा के भीतर नशा एक बड़ा मुद्दा है कि नहीं? नशा वाकई मैं जितना समझ पाया अभी तक, खटीमा की जनता को नशे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, हमारे तो फिलहाल विकास मुद्दा है, और नशे के खिलाफ, नशे की रोकथाम के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव प्रयास करें। हम भी ये चाहते हैं कि युवा स्मैक शराब आदि की लतों से दूर रहे और देश और समाज अपना निर्माण कार्य में खटीमा में इतना क्यों? अब इसके लिए मुझे लगता है सीमावर्ती राज्यों से इसके लिए भी केजरीवाल जिम्मेदार हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीएम साहब हमारे ही खटीमा विधानसभा से आते हैं, उसके बाद भी आप देखिए कि नशे का जो कारोबार है खटीमा में पूरी तरह से फल फूल रहा है। उसमें भाजपा की सरकार ना मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार का उसको रोकने के लिए कहीं पे भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, और एक प्रचार तंत्र जो चल रहा है कि फाइबर कंपनी के मालिक को बियर का लाइसेंस दिया जा रहा है, तो ये सीधे सीधे है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते ही नहीं कि नशे का कारोबार रुके और जो युवा जो नशे में बियर की फैक्ट्री और आप ये कह रहे हैं नशे का लोग नशे में पकड़े जाते हैं। ये धर्मी सरकार बीजेपी के बंदे जो है कॉल करते हैं, उनको क्या देते हैं? आपको छुड़वाया? हमको नहीं छुड़वाया, जो लोग नशे वाले। अच्छा, नशे वाले, हम तो ऐसा काम करते ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी वाले करते हैं। हाँ, बीजेपी वाले, ये नशा जो है बेचने में इनकी अहम भूमिका है, बिकवाने में भी अहम भूमिका है। आपको पता कहाँ कहाँ ये बीजेपी वाले? आप वो कह रहे बीजेपी वालों को छुड़वाते हैं, आम आदमी पार्टी वालों को भी छुड़वाओ। देखिए, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि हमारे लिए विकास मुद्दा, हमें विकास की बात करने के लिए है, कोई डेनिस की शराब की नशे की बात करने आई नहीं है, नशे के खिलाफ हम भी है। बियर फैक्ट्री वर्सेस डेनिस, ये कह रहे कि तुम कह रहे हो कि धामी ने बियर फैक्ट्री खोल दी, ये कह रहे कि आप हरदा ब्रांड भूल गए, चक्कर क्या? देखिए ना क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत रही है, जो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही होती है तो ये पीछे डाल देती हैं, कि पीछे वाला वो आदमी समझे या ना समझे, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। सीएम साहब इस खटीमा विधानसभा के विधायक हैं, सीएम है, बहुत गंभीर विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। और सीएम साहब इसी धरती से विधायक बने हैं, फिर सीएम बने हैं, और जब उन पर ये आरोप लग रहे हैं तो ये आरोप आप ये सोचिए कि बिल्कुल निश्चित रूप से सही है। और आप सर्वे भी कर सकते हैं खटीमा के अंदर कि इस यहां पर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। 56 घोटाले भी देखे मैंने, 156 घोटाले भी देखे मैंने, कुंभ का भी जिक्र देखा मैंने, स्कूटर के नंबर गिनवाते हुए देश के प्रधानमंत्री को परेड ग्राउंड में भी देखा, वो स्कूटर के नंबर वाले आज इनके साथ हैं, है ना? मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ नहीं, गंगाजल है या नहीं वो ये जाने,
लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ऐसे हालात में खटीमा में आप ये कह रहे मुद्दे ही मुद्दे हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये कह रहे कि हमारे पास धामी है, आपके पास कौन है, आपके पास कौन? देखिए हमारे पास क्या है, जो लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा। नाम बताइए आपका दावेदार। अब मैं बता रहा हूँ, हमारा दावेदार कांग्रेस से जिसको भी टिकट मिलेगा, जिसको नहीं नाम बता दीजिए, मुझे तीन बता दीजिए बस। पैनल में हमारे भुवन कापड़ी जी का जो वर्किंग प्रेसिडेंट है उनका नाम गया हुआ है, उनको टिकट मिलेगा तो उनको पूरी तरीके से पूरा जो कांग्रेस के लोग है एकजुट है, और पार्टी किसी को भी जिसको भी टिकट देगी तो कांग्रेस। और दावेदार एक प्रकाश तिवारी जी ने अभी आवेदन किया है, दो दाव एक भुवन कापड़ी जी हैं और प्रकाश तिवारी जी। भुवन कापड़ी जी ने पिछले बार भी धामी जी से मुकाबला लिया था और मात्र 2700 वोटों से रह गए थे, तो इस बार भी कांग्रेस पूरी लामबंद है। और जो मुद्दा है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा महंगाई का है, और मुद्दा जो खटीमा के जो सीमांत क्षेत्र है, खटीमा में जो बग्गा चौवन के जो भू कानून का जो मुद्दा है, वो मुद्दा मेन मुद्दा है इस खटीमा को लेकर, बेरोजगारी महंगाई और भूमि। अच्छा एक मिनट, मैं अंत में विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड यही तैयार करूंगा। विधायक जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे वो आप खुद तय करिए, मैं आऊंगा आराम से। एक सेकंड, मैं अभी एक सेकंड, मैं एक और मुद्दे को उठा रहा हूँ। चलिए आपने कहा कि सड़कों का जाल बिछा दिया माननीय विधायक जी ने, फ्लाईओवर उसमें से वो भी नहीं बन पाया। अच्छा एक बाईपास बनना था, वो बन गया क्या? नहीं। आप जाइए, इस मार्च तक वो कंप्लीट हो जाएगा, मिट्टी भर कंप्लीट होगा, तो मिट्टी मिल पा रही थी। अच्छा मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए उसकी नियत तिथि मार्च है और अभी वो पूरा बनना शुरुआत हो गया, अभी तक मिट्टी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए कार्यदायी संस्था APL को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिट्टी निकालने का टेंडर दे दिया गया है। मिट्टी भर के आपको भी पता है कि बाईपास ऊंचा बनता है, मिट्टी भर के उसका आप चले देख के आइए, आप आंखों के सारे देख के आइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप खटीमा क्षेत्र में भ्रमण कीजिए, ये तो सिर्फ शराब और डेनिस तक में रुक गए। फ्लाईओवर उस अपना जो है जो बाईपास बन रहा है उस पर कहीं भी कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया पा जा रहा, उस पर जो इंटरेक्शन है वहां पर आए दिन आप ये देखिए एक्सीडेंट्स होंगे, सब कुछ होगा। अभी इन्होंने कोई फ्लाईओवर नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है, जब वो बन जाएगा जब एक्सीडेंट होंगे उसके बाद ये प्लान करेंगे साहब यहाँ पर फ्लाईओवर भी बनाए। अच्छा मैं HNVPG कॉलेज का छात्र हूँ, जहाँ पहले स्ट्रेंथ 8000 के समथिंग होती थी, आज महाविद्यालय की ऐसी कंडीशन है वहाँ एडमिशन नहीं मिलते हैं, ST SC OBC के कोटे खत्म कर दिए हैं, छात्रवृत्ति किसी की नहीं आती है, समझ रहे हैं? परेशान है जब आप कोरोना का, अभी मैंने पूछा उनसे इधर ये पास आउट कर ये तो महाविद्यालय कॉलेज में एडमिशन भी दे सकते हैं। पहले एक सेकंड, पहले इस युवा के लिए ताली बजाइए, इसने उठाया अहम मुद्दा। अब मुझे बताइए, आप मुझे गिनवा रहे थे 8342, आई एम राइट? अब इन्होंने क्या बोला? मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप कॉलेज गए जी, अभी छात्र थे जी, आपके कॉलेज में M.Com खुला है? M.Com खुल गया बट उसकी कहां एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन बताइए ना, खाली वो पेपर में हेडिंग से कुछ नहीं होता है, प्रेस विज्ञप्ति से कुछ नहीं होता है, आप एडमिशन करवाइए ना भाई साहब, M.A. अभी भी आ चुका है हमारे कॉलेज में। एक सेकंड, M.Com खुला नहीं खुला? नहीं खुला, नकारता हूँ, एडमिशन नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे। एक सेकंड, एक करके एडमिशन हो रहा है, सुन रही है मेरी, सुनिए, ये कह रहे एडमिशन हो रहा है, ये एडमिशन हुआ है M.Com में, और सुन रही है, बीएड खुला नहीं खुला? बीएड खुला हुआ है। मुझे आप इतना बताइए, जब माननीय धामी जी ने बोला कि M.Com और MA जियोग्राफी हम अपने डिग्री कॉलेज में प्रस्तावित कर रहे हैं, उनका पत्र आया बट एडमिशन के नाम पे एक भी एडमिशन नहीं हुआ, चाहे मेरे साथ कितने एडमिशन हुए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक सेकंड, कितने एडमिशन हुए, एडमिशन बता दें मुझे, जानकारी ले, B.Com भी हमने खुलवाया यहाँ पे, और देखिए एडमिशन का मुझे जानकारी कैसे होगी, एडमिशन नहीं हुआ। देखिए पूरी बात सुनिए, ये जिस छात्रवृत्ति घोटाले की बात कर रहे हैं, मैं अपने इस छोटे भाई को बताना चाहता हूँ, छात्रवृत्ति घोटाला इस डिग्री कॉलेज में हुआ था, उसमें हुआ था नहीं हुआ था, इसे पूछिए हुआ था नहीं हुआ था, एक बार पूछिए, माइक वहाँ लगाइए आप पूरी बात, और जो छात्रवृत्ति यहाँ पे घोटाला हुआ था उसमें कांग्रेस के NSOI के प्रेसिडेंट का नाम प्रमोद कुमार का नाम आया था, पूछिए आया था नहीं आया था, जल्दी से। जी, वो भाई साहब के भी बात ठीक है, छात्रवृत्ति घोटाले में कांग्रेस का हाथ था मैं बता रहा हूँ आपको, परंतु लेकिन आज जो धामी जी कर रहे हैं वो आरोप किस पर था मालूम है आपको? जी आरोप किस पर था? छात्रवृत्ति घोटाले वाला कांग्रेस के आदमी थे उन पे आरोप था, कांग्रेस के तो आरोप तो लगते हैं, 156 भी लगे, वो जेल भी गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए भाई साहब मैंने इनको इसलिए बुलाया, ये देखिए ना खालिस्तानी है ना आतंकवादी है ना, ये नहीं, हमने तो किसानों को लेकर भी सुना सर,
किसानों को लेकर भी सुना, ये दरअसल युवा है, ये किसी पार्टी के नहीं है, तो इसलिए इसलिए युवाओं का सम्मान करिए। चलिए चलिए, आप युवाओं के लिए ताली, बहुत जोर, बहुत जोरदार सवाल। अब मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, फाइनल कमेंट जनता का होता है। मैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने रखी अपनी बात, मैं बनाऊंगा यहां पर खड़े होकर विधायक का रिपोर्ट कार्ड। 10 में से देगी जनता कितने नंबर, यही खड़े खड़े हो जाएगा तय। विधायक जी को कितने नंबर? सर 6 दे दूंगा मैं। 6 दे देंगे। विधायक जी को पास कर दिया आपने तो बहुत बढ़िया, वो भी पासिंग मार्क्स से 6 नंबर। कितने नंबर? सर मैं तो 0 दूंगा। 0? सर 0 में से जो और भी कम हो तो मैं वही दूंगा। माइनस में। शून्य। शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, शून्य। शिक्षा के नाम पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। कितने? 10 में से 10 नंबर देंगे हम, क्योंकि इतना विकास इन सालों में जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। 10 में से 10 नंबर। 10 में से 10 कोरोना काल में, ये मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ थे उस टाइम? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी दिखाई देते थे और कोई नहीं दिखाते। 10 में से 10 नंबर, पूरे नंबर। 3 महीने के छोटे से कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने इतने काम कर दिए कि ये कुछ, मैं पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। 3 महीने के कार्यकाल में खटीमा की तस्वीर बदल दी है। खटीमा की तस्वीर 10 साल में नहीं बदली, 3 महीने में। 10 महीने कितने? हाँ जी, नंबर लेने से पहले ये हम सत्ता पक्ष के, प्लीज जल्दी नंबर 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 हम तो 0 देंगे सर, क्यों? 0 जी, जंगली जानवरों से इतना नुकसान। ओके, 10 महीने कितने? 0 0। 10 महीने कितने नंबर? सर नंबर तो देने को दे ही देंगे, ये दो बातें हैं, प्लीज नंबर नंबर मतलब दो बातें हमारी सुन लीजिए। देखो हमारे मुख्यमंत्री जी नंबर जो लेंगे वो तो अलग की बात है, हमारे खाते में से बीमे कट जा रहे हैं, किसानों के खाते से बीमे कट जा रहे हैं, और फसल बीमा तुम्हें दे रहे हैं, फसल बीमा दे रहे हैं, तुम्हारी फलानी बीमा दे रहे हैं। अभी ना हमारे इधर बाढ़ आ गई, हम आए जहाँ पर दिखवाने के लिए कि भाई हमारा वो फसल बीमा दो, बोला आधा गांव डूबा है, आधा भी डूबेगा तो दिया जाएगा। अच्छा आधा डूबेगा, आधा कितने नंबर दोगे अब तो दे दो 10 में। भाई हम जोश का 0 नंबर से भी 0 नहीं देने को राजी हम तो। अच्छा 0, 10 में 0 देंगे, बिल्कुल 10 में 0। सर क्या देंगे सर, हम तो खालिस्तानी है ना सर, हम का बीजेपी वालों ने कहा, उनके बोलने बीजेपी वाले कहते हैं ना, किसने कहा? बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम खालिस्तानी हैं पाकिस्तान। इधर आओ, रुको एक सेकंड रुको, यही रुको, एक सेकंड रुको वीर जी, रुको इधर रुको। ये कह रहे हैं कि किसान खालिस्तानी ना था ना है ना होगा, जय जवान जय किसान, जय जवान कहते हैं बीजेपी वाले, जय जवान सर, जय जवान, जय जवान जय किसान, जय जवान किसान बोलेंगे, जय जवान। आपने एक साल दिल्ली किसी के बोलने से किसान, किसी किसी के बोलने से किसान, किसान किसान हमारी आन बान और शान, ये पगड़ी है किसान, किसान 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 नारा, किसान 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 कभी आतंकवादी, किसान आतंकवादी नहीं हो सकता। कितने नंबर? 10 में से। मुख्यमंत्री जी को नंबर दिए जाएंगे, लेकिन पहले बात सुनिए, ये खनन प्रेमी मुख्यमंत्री है, अभी इनके एक मंत्री ने खुद कुमारा कि हमारे यहाँ खनन हुआ, अवैध खनन हुआ, ये खनन हमारे यहाँ पर हालात ये। 10 में से पर देखिए नंबर क्या दे रहा है, नंबर के लायक का मामला ही नहीं है, कहीं नंबर बन ही नहीं रहे, नंबर नहीं बन रहे। 10 में खनन प्रेमी 0 नंबर, 0 नंबर, 0 0 0 0 0 0 0 0 एक तरफ बीजेपी के समर्थक, एक तरफ कांग्रेस के समर्थक, आम आदमी पार्टी ने कहा कि 6 नंबर दे देंगे, ये बड़ी कंफ्यूजन हो गई मुझे। खैर अब मैं आ रहा हूँ फाइनल कमेंट पर, कितने नंबर? जिसने अगर बीजेपी सरकार को 6 नंबर दिए वो आम आदमी पार्टी का बंदा नहीं हो सकता, वो बी टाइम का शायद हो सकता है, टीम बी का हो सकता है। 6 नंबर हमें नहीं उम्मीद है कि ये आम आदमी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने बात कही है, मुझे तो नहीं लगता है, शायद हो सकता है ये आम जनता का हिस्सा हूँ। 6 नंबर, ओके ओके, आप कितने नंबर? 0 नंबर देंगे, युवाओं के नाम से कहो, महंगाई के नाम से कहो, चाहे खटीमा में जो भूमि का जो मामला है उसको नहीं निपटाने के मामले से कहो, खटीमा में जिले बनाने की मांग है वो नहीं करने के नाम से कहो। अच्छा 0 नंबर देंगे, देखिए अब मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, मैं चाहूंगा प्लीज फाइनल कमेंट आप लोगों के सामने, मैं एक नारे के साथ बात को खत्म करता हूँ। देखिए एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड प्लीज, मैं जानता हूँ आप 10 में से कहेंगे मैं 11 नंबर देता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे हटके है। त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, मैंने उनसे सवाल पूछा आप क्यों हटाए गए, बोले मुझे नहीं मालूम। तीरथ जी से पूछा, वो कह रहे मुझे नहीं मालूम।
अब धामी जी पक्का है ना, आपको मालूम है? आप जनता के आशीर्वाद, धामी जी अभी भी है पक्का और आने वाले 5 साल ही पक्का रहेंगे, पक्का रहेंगे। ओके ओके ओके, ये कह रहे हैं कि, ये कह रहे हैं कि पक्का धामी जी, यानी जनता विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री भी चुनेगी। चलते 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 मैं कह रहा हूँ कि एक एक नारे के साथ बात खत्म करेंगे। चर्चा की हमने, बहस नहीं की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली बार होगी एक नई विधानसभा सीट पर मुलाकात। नमस्कार।